नमस्ते सारे कीमेकर भाइयों को। काफी भाइयों का विचार था कि ये इन चाबियों में बहुत दिक्कत आती है, जो महिंद्रा की चाबी है इनमें सेंसर कहाँ है, किधर है। तो ये देखो, दोनों तरफ से चाबी देखो आप, ये तीन गाड़ियों की चाबी हैं, स्कॉर्पियो, अपनी जायलो और अपनी ब्लेरो थार लगा लो कुछ भी। तो इन चाबियों को अब देखो, इसका मेन जो सेंसर किधर है, थोड़ा सा ये थोड़ा शॉर्ट में ही कर रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी करके, ताकि इसमें हम बड़ा बांक भी यूज़ कर सकते हैं और अपना हैंड डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं। साइड में मेरे पास बड़ा बांक भी है, शायद वीडियो में थोड़ा सा दिखेगा आपको, लेकिन मैं हैंड डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे कीमेकर भाइयों के पास हैंड डिवाइस भी ज़्यादातर होते हैं। ये हमारा सेंसर वाला भाग है। अब इसमें मेन जो सेंसर है वो उसको कैसे निकालना है, काफ़ी भाइयों से उसका नुकसान भी हो जाता है, सेंसर भी टूट जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है कभी कभी। कई बार क्या होता है, कस्टमर के पास एक ही की है और उसका सेंसर टूट जाए, की प्रोग्रामर टूल भी नहीं होता। अब देखो ये बीच वाली जो लाइन है, ये लाइन से हमें आरी के ब्लेड से कट करना है और कट करते रहना है, और हमें सिर्फ ये चीज़ महसूस करनी है, जब हमारा ब्लेड है ना एक पत्थर से, जैसे पत्थर पर हमने किसी चीज़ को काट रहे हैं उस तरह से महसूस होगा। जब थोड़ा हमारा ये प्लास्टिक थोड़ी गहरी कट जाएगी ना, तो थोड़ा सा हमें हल्के हाथ रखना है और महसूस करना है कि कोई पत्थर जैसी चीज़ इसमें टच हुई है कि नहीं, तो वहीं पे हमें रुक जाना है, फिर उधर फिर ज़ोर से कट नहीं करना। अभी मुझे लगा कि कोई पत्थर जैसी चीज़ ब्लेड से कट टच हुई है, तो अभी मैं दूसरे साइड से कर रहा हूँ उसको। फिर बहुत ईजीली है और बिल्कुल एकदम हमारा सेंसर फ्रेश निकलेगा, क्योंकि मैं काफ़ी चाबियों का निकाल चुका हूँ और काफ़ी भाइयों की रिक्वेस्ट होती थी कि मुझे कम से कम हफ्ते में 5-7 कॉल आ जाती थी कि वीर जी ये ब्लेरो की दिक्कत है बहुत ज़्यादा, ब्लेरो में या स्कॉर्पियो में या जायलो में कि सेंसर किधर है, कैसे निकालें। काफ़ी भाइयों की कंप्लेंट भी थी कि निकालते पर सेंसर टूट गया, बहुत दिक्कत होगी। तो सर थोड़ा सा इसमें टाइम है लगता है इसको निकालने में, लेकिन ये बहुत इतना ईजीली है कि हमारा जो सेंसर है वो सेफ निकल जाता है, सबसे बड़ी बात ये है। अभी इसमें देखना आप, बिल्कुल ईजीली तरीके से हम सेंसर निकाल देंगे इसमें से। और सारे भाइयों से यही रिक्वेस्ट है, तू ही खालसा कीज, क्योंकि मेरे भाइयों भाई सब भाइयों के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि ये देखो वीर जी ये अपना सेंसर बिल्कुल सेफ निकल गया। और केडी देना भाई ज़रा, अभी हम जो है अपने हिसाब से इसको बिल्कुल सेफ तरीके से पूरा निकल गया है, हल्की सी स्क्रेच है बट सेंसर में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 46 अपनी आईडी 46 है। और सर अभी मैं दिखाना चाहता हूँ आपको तीन चाबियाँ, मैंने तीनों को कट इसलिए करा नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती। ये हमारी ब्लेरो की है, ब्लेरो में जिस तरफ गोल हिस्सा होता है ना उसी तरफ सेंसर होता है, अक्सर सारे भाई ध्यान रखें। ये जो कॉन वाला हिस्सा है उस तरफ सेंसर नहीं है, ब्लेरो थार में अपना गोल जो हिस्सा है उस तरफ सेंसर है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें सारे भाई, ठीक है जी। ये अपनी ब्लेरो की और थार की है, ओरिजिनल कंपनी वाली, इसमें सेंसर किस तरफ है। ये हमारा अब स्कॉर्पियो का है, स्कॉर्पियो में भी जिस तरफ हमारा ये मोटा टाइप है, जिस तरफ हमारा प्लास्टिक मोटा है, ये देखो यहाँ से मोटा प्लास्टिक होता है, इस तरफ से हमारा पकड़ने के लिए थोड़ा होता है, तो मोटे प्लास्टिक की साइड में जो है यहाँ पे सेंसर है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें सारे भाई। और वीडियो को सेव करके रखें या कभी भी देख सकते हैं, तू ही खालसा कीज। और अभी ऐसी छोटी छोटी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ वीर जी, क्योंकि हाई लेवल की वीडियो बहुत सारे भाई बनाते हैं। ये जायलो की चाबी है, इसको भी ध्यान से देखो, इसमें भी सेंसर इधर है, क्योंकि वीर जी हाई लेवल की वीडियो बहुत सारे भाई बनाते हैं, लेकिन जो छोटे मेरे भाई की मैं करें उन सबको भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ देना है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना। जय हिंद सारे भाइयों को।